आप लोगों के पास है बुक? अच्छा, अगर आप लोग पेज नंबर 23 पे देखे ना, पेज नंबर 23 पे 39 नंबर क्वेश्चन देखे ना, पेज 23 39 नंबर क्वेश्चन आगे 39 पे, पेज नंबर 23 39 क्वेश्चन के एंड पे पढ़े क्या कहता है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, शेयर। अच्छा, 40 के एंड पे पढ़े क्या कहता है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। 41 के एंड पे, 41 के एंड पे डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन विडो, वन डॉटर एंड टू सन्स। यानी कि इसमें भी आप लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट आपने करनी है अमाउंट, ये भी उनके शेयर का क्वेश्चन है। वो मैं बताता हूँ। 42 में भी ये कहता है कि वाइफ को बेटे से कितना ज्यादा मिलेगा, मदर को बेटे से कितना ज्यादा मिलेगा, इसमें भी शेयर वाला क्वेश्चन है। 43 में भी ये कहता है कि हर बच्चे को कितना मिलेगा अगर बेटे को डबल मिले। इसका मतलब TSS के पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे आपके क्वेश्चन शेयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल रेशियो मिसिंग वाले हैं, उसके बाद फिर शेयर वाले क्वेश्चन है। बाजार में देते उतार देते। Gracias.
चलो जमात के साथ बात
बस करते हैं रेशो स्टार्ट लेते हैं। रेशो प्रॉब्लम में जैसे आप लोग मैंने बताया स्टार्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आगे फिर आप लोगों के फर्दर शेयर वाले क्वेश्चन आएंगे। शुरू पे जो शॉर्ट क्वेश्चन उनको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री फोर, ये कुछ क्वेश्चन जितने शॉर्ट है वो आपको मैं पहले मतलब याद दूंगा। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, वन में कहता है अगर ए रेशो बी रेशो फाइव इक्वल हो और ए रेशो थ्री अगर फाइव रेशो सेवन इक्वल हो तो बताए बी रेशो थ्री की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर ए और बी की रेशो थ्री फाइव हो, ए और सी की रेशो फाइव सेवन हो तो बताओ बी और सी की रेशो क्या है। ये वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं छोटी क्लासेज में, फाइव सिक्स क्लास में आप लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। इनमें हम लोगों ने सिर्फ एक जो इसका आप कह लोगे रटा कह लो या एक परसेंटेज कह लो, हम लोगों ने ये याद रखना है जो इसमें वैल्यू गिवन है ना, ये वाली आपके पास वैल्यू दो गिवन है, ए बी और ए सी, ये आपको गिवन है ए बी और ए सी, ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। तो जो वैल्यू गिवन होंगी उनमें आप लोगों ने देखना है कौन सी वैल्यू रिपीटेड है, कौन सी वैल्यू कॉमन है। ए बी और ए सी में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए बी और ए सी में ए कॉमन है, तो जो वैल्यू कॉमन होगी उसको आप लोगों ने सेंटर में लिखना है, उसको आप लोगों ने मिडिल में लिखना है। ये बेशक आप लोग साथ में उर्दू में बेशक लिख लिया करें या इंग्लिश में लिख लिया करें कि जो वैल्यू कॉमन होगी उसको हम लोग मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अब ए कॉमन है तो ए को मैं सेंटर में लिखता हूँ, मैं लिखूंगा बी ए सी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्पेशली फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है थ्री, बी की वैल्यू क्या है फाइव, अच्छा उसके बाद देखिए ए की वैल्यू क्या है फाइव, ये ए के नीचे ये थ्री के नीचे फाइव, और सी की वैल्यू क्या है सेवन, ये सी के नीचे या फाइव के साथ ये सेवन है। ठीक है, अब आपको शायद ये वाला रूल याद होगा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, किसी को याद आया? चलो अगर कुछ को याद आया ठीक है, तो पांच पांच बार पच्चीस ट्वेंटी फाइव, फाइव थ्री फिफ्टीन, थ्री सेवन बार ट्वेंटी, समझ आ गई? ठीक है, ओके। डी रेशो थ्री क्या है, डी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको आप लोग ने सबसे मेन इसमें पॉइंट क्या है, जो वैल्यू कॉमन आएगी उसको सेंटर में लिखना है, फिर उसके बाद उनकी रेशो बनानी है, रेशो बनाने के बाद उनको इस तरह इसको एन फार्मूला कहते हैं, इसको ऐसे एन है ना, इस तरह नहीं एन फार्मूला कहते हैं कि एन के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना वैल्यू लाते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन है, सेंटर में लिख के आप एन फार्मूला लगा के सॉल्व करें,
क्या आंसर आया? 1524 को दोबारा फिर से मिनिमाइज करें, ठीक है, टेबल 5 रेशो है, ठीक है, क्योंकि 1524 आप देखेंगे ऑप्शन में नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड अब आप लोगों के सेम इसी तरह के क्वेश्चन लगे, अब इसमें अब आप लोगों ने शेयर फाइंड आउट करना है। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह रेशियो बना के दे रहा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कौन सी वैल्यू कॉमन है, उसको सेंटर में देखिए, मुझे रेशियो बना, उसके बाद आप लोग मैं शेयर फाइंड आउट करके दिखा देता हूं शेयर कैसे फाइंड आउट करना है। A और C फाइंड आउट करना है, B और C, A की वैल्यू 15, C की वैल्यू 24, 15 24 मतलब 5 8, 5 8। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ शेयर करना है, 8 12 15 आपके पास आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ए बी और सी 8 12 15 आना चाहिए, इसके बाद मैं बताता हूँ बाकी भी सॉल्व कर ले, सबके पास 8 12 15 आना चाहिए। पंद्रह और चौबीस है ना, 15 3 का पड़ा जाएगा 24 5 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो व्हाइट कॉमन है ना, रेड व्हाइट और व्हाइट, व्हाइट कॉमन है, व्हाइट को सेंटर में लेके रेशो बनाओ, 8 12 और 15 आनी चाहिए रेशो। एग्जैक्टली उधर नाम, अच्छा अब आपके पास रेशो बनेगी 8 12 और 15, ठीक है, यहाँ तक ओके ओके। अब इसके बाद मैं देख लेगा सर ये क्वेश्चन डिटेल से दोबारा करवाएं जी, मैं अभी वही करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें रेड व्हाइट की रेशो क्या थी, 2 3 और व्हाइट ब्लू 4 5 है, कोई बात नहीं पहले करनी। अच्छा फिर पे देखो व्हाइट कॉमन है, व्हाइट कॉमन है, व्हाइट को सेंटर में लेके रेड व्हाइट होती है और व्हाइट ब्लू कितने 4 5, व्हाइट के नीचे 4 ब्लू के नीचे 5, ये आ गया 2 4 8 4 3 12 3 5 15। तो आपके पास इसकी रेशो आ गई 8 12 और 15। अब इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड, इनमें से रेड कितने हैं। अब आप लोगों को कितने नहीं, 8 रेड की रेशो है, ये रेड बॉल नहीं है। अच्छा अब ये देखिए, अब आप लोगों को मैं इसमें दो तरीका सिखाऊंगा, एक तो शॉर्ट फार्मूला जो स्क्रीनिंग 1 पेपर के लिए है, एक आप लोगों को इसमें एक और फार्मूला बताएगा जो आप लोगों ने सीएसएस एबिलिटी में आपने सॉल्व करना है। एक इसमें शॉर्ट फार्मूला ये होता है शेयर इक्वल टू रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू, ये आप लोगों का एक फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, किसी का भी कोई शेयर निकाल, रेड मार्बल फाइंड आउट करने मतलब रेड का आप लोगों ने शेयर निकालना है कि रेड कितने हैं। अब शेयर की जगह आ जाएगा रेड मार्बल इज इक्वल टू रेड की रेशो कितनी है, ये देखो ऊपर रेशो आएगी, रेशो जिसका शेयर फाइंड आउट करना है उसी की रेशो ऊपर आएगी। अब रेड मालूम करना तो रेड की रेशो 1, सम ऑफ रेशो इनको सम करो 8 12 35 कितना 35
मल्टीप्लाई टोटल, आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखो उसने कहा था एक ग्राम में 70 मार्बल है, मल्टीप्लाई 70, ठीक है, 35 दो बार 70, 35 टू आर 70, 8 टू आर 60, ये आंसर आएगा। रेड मार्बल कितने हैं? 60। इसको नोट करो। अब आपको मैं फिर इसका दूसरा तरीका फिर बताऊंगा। अच्छा मुझे बताएं अगर व्हाइट मार्बल फाइंड होते हैं तो व्हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा? 12/35/70। अगर ब्लू मार्बल फाइंड आउट करने हैं 15/35/70, ठीक है, ओके समझ आ गई? चलो इसको नोट करो। अब दूसरा सीरीज 70, सीरीज 70 कहां से आया? आप लोगों ने यहाँ तक तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना ही करना है, रेशियो आपने जो बनानी है 8/12/15, यहाँ तक तो सॉल्व करना ही करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों ने ये बनाना है कि आपके पास रेशियो आई 8/12/15 की, या मैं इसको सॉल्व किया आपको पता है 8/12/15, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आप लोगों ने पीएसएस एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आ जाता है टेक्निकल, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आप लोगों को ना ये आप लोगों को टोटल वैल्यू नहीं भी गिवन होती, तो उसमें हमें फिर ये वाला मैथड हमें काम आएगा जो अभी आपको बताने लगा। ये वाला मैथड है, आपने इनको लेट करना है, लेट नंबर ऑफ रेड व्हाइट एंड ब्लू मार्बल आर, रेड व्हाइट और ब्लू मार्बल आर, रेड की रेशियो 8 है ना, आप इसको लेट कर लो 8x, व्हाइट 12 है तो इसको आप लेट कर लो 12x, ब्लू 15 है तो ब्लू को लेट कर लो 15x, ठीक है। रेड व्हाइट और ब्लू कितने आ गए? जो इनकी रेशियो आएगी आपने उनको एक्स के फॉर्म में आपने उनको लेट कर, ठीक है। अब इन तीनों को करना है प्लस, इक्वल टू टोटल, टोटल कितने थे? 70 मार्बल, ये इसके इक्वल आ गए। ये तरीका बल्कि उससे भी आप चौथे दूसरे तरीके आसान थे। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपके पास एक एक्स की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या बना सर, ये दोबारा बताएं प्लीज। नहीं नहीं ये तो मैं इसका दिखा रहा हूँ, अभी जो जितनी नहीं आएगा वो भी आपको मैं बता। अच्छा अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, 8/12/20/15/35x, 35 को उधर डिवाइड करें, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब आप एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको रेड मार्बल दे देगा, यहाँ पे पुट करोगे व्हाइट, यहाँ पे पुट करोगे तो ब्लू मार्बल, ठीक है। नहीं ड्राइंग अच्छी है, प्लीज ये दोबारा बताएं। अच्छा फार्मूला, अब ये देखो रेड मार्बल आएंगे 8x है ना, 8x का मतलब 8 × x की जगह 2, ये आ गए 16। अच्छा व्हाइट कितने आएंगे? 12x है, 12 × x की जगह 2, 24, और ब्लू आ जाएंगे 15 × 2, 30। आप इन तीनों को प्लस करें, दैट इज इक्वल टू 72 मार्क्स। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा आप लोगों की आवाज सही नहीं आ रही, क्या कह रहे हो सर? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें जो आपने बाद में बताया था, नहीं समझ आ रही इसकी। सर ने आपने स्क्रीन के लिए बताया था, वो रिपीट करते हैं इसको। बेटा एक दफा नोट करो, मैं रिपीट करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ये आपने इस केस में बताया है कि अगर टोटल ना दिया हो तो, पर इधर तो टोटल दिया हुआ है ना? नहीं बेटा वो आगे और क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको मेथड में बताने लगा हूँ, ये वाला मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, कि जिसमें चाहे टोटल गिवन हो चाहे टोटल ना भी गिवन हो, आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह। सर
अगर मतलब इस क्वेश्चन में जैसे 70 गिवन है, अगर क्वेश्चन में 70 गिवन ना हो तो यहाँ से मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाली, वो एक्स की वैल्यू जब आप 8x में पुट करोगे तो आपको रेड मार्बल मिल जाएंगे, व्हाइट में यहाँ पे 12x पुट करोगे व्हाइट मार्बल, यहाँ पे 15x में पुट करोगे तो ब्लू मार्बल, ठीक है। अच्छा सर, अब ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यहाँ तक आपके 10% आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके जो 34 तक आपके अच्छी क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताओ जिनमें ना आप लोगों को टोटल वैल्यू नहीं गिवन, जैसे पार्ट अपन अगर आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 8 रहा, देखिए 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सर क्वेश्चन नंबर रिपीट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। सर सर एक क्वेश्चन पूछना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सर एक्सक्यूज मी सर, सर सर ये अभी जो आपने एक्स के साथ सपोज कराया इसमें तो उन्होंने हमें सिर्फ रेड पूछे हैं ना, तो फिर हमें सबको बताने की जरूरत तो नहीं ना, सिर्फ हम रेड का बताएंगे। जी जी हाँ जी, सिर्फ रेड का बोल, मैंने आपको समझाने के लिए बात ही नहीं करी। जी जी सर, ओनली रेड को पार्ट आउट करना। क्वेश्चन में रेड का आंसर क्या आएगा? हाँ इसमें अब आप लोग टोटल ले, आप लोग 100 ऐड करें क्योंकि पर्सन पूछ रहे हैं ना, इसमें आप लोग 100 आप लोग ऐड करोगे सर। ओके अच्छा, अब आपको मैं छोड़ता ना इसलिए मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ जो टेक्निकल है। मतलब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 36 नंबर देखिए, 36 क्या कहता है, बल्कि 36 के ऊपर 35 पहले बता देते, 35 क्या कहता है, 35 नंबर एक रकम है उसको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी में 5, 2, 4, 3 के रेशियो के साथ। एक रकम है, उसने आपको रकम उसने नहीं दी, टोटल वैल्यू कितने आपको नहीं पता। अच्छा फिर वो कहता है कि अगर सी इफ सी गेट 1000 मोर देन डी, अगर सी को डी से 1000 ज्यादा मिले देन बताएं कि सी का शेयर क्या। अब इसमें देखो, इसमें अब आप लोगों को टोटल वैल्यू नहीं दिया, अब इसमें अब आप लोगों ने क्या करना, सबसे पहले तो आप इनके वैल्यू से लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए बी सी और डी है, ये है 5, 2, 4, 3 के रेशियो में। आप सबसे पहले आप लोग इनके शेयर आप लोग लेट करो, लेट शेयर ऑफ ए बी सी एंड डी आर, ए बी सी डी के शेयर है 5x 2x 4x और अभी आपको जैसे मैंने बताया था इसी रेशियो को आप लोग एक्स की फॉर्म में आप लोग ब्लड करते हो इन्हीं रेशियो को 5:2। अच्छा अब इसमें अब आप लोगों को टोटल वैल्यू भी गिवन, अगर तो टोटल वैल्यू गिवन होती आप लोग क्या करते, सबको सॉल्व करके इक्वल टू टोटल वैल्यू की इक्वल रख देते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में फिर अब आप लोगों को एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कहता है सी गेट 1000 मोर देन डी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको बना सकते हैं
P plus 1000 is equal to D. अच्छा देखें इसकी क्वेश्चन ये बनती है C is equal to D plus 1000. इसकी क्वेश्चन ये बनती है C is equal to D plus 1000. अब वैसे तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई सी के बाद भी आधार ज्यादा है तो सी में आधार जमा होना चाहिए. सी गेट 1000 मोर देन डी. लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन बैलेंस हो रही है. बैलेंस कैसे? अगर मैं कहूँ सी के पास 4000 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर डी के पास कितने होंगे? 3000. तभी सी के पास 1000 ज्यादा बनता है ना. अब इनको बैलेंस करो. बैलेंस कैसे करोगे? इक्वल है ना. इक्वल इक्वल मतलब ये बैलेंस है. तो आप लोगों ने बैलेंस कर, बैलेंस तभी होगा जब आप डी को आधार दोगे तब जाके इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब सी इक्वल टू डी प्लस 1000. और ये बैलेंसिंग मेथड ही आप लोग आगे एज प्रॉब्लम में भी आप लोग पढ़ोगे. आगे जब एज प्रॉब्लम हमारे चैप्टर आएगा ना उसमें भी वैसे तो आपको इक्वेशन मिलेगा. अच्छा अब ये देखें सी इक्वल टू डी प्लस 1000 है ना. सी की जगह वैल्यू पुट करो. सी की वैल्यू क्या है? 4x. ये सी की वैल्यू 4x. डी की वैल्यू क्या है? यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालो. 3x कितना आ गया? 1000. x की वैल्यू आ गई. अब सबके शेयर आ जाएंगे. x की वैल्यू यहाँ पुट करो a का शेयर, यहाँ पुट करो b का शेयर, c का शेयर, d का शेयर. b का शेयर कैसे आएगा बताओ? b शेयर आएगा 4x है ना. ये 2x है. 2 into x की जगह b का शेयर आ गया 2000. एक दो नोट करना दोबारा. आप लोग 2 बजे से बैठे हुए सारे तो पहले क्लासेस में है या? मेरे भी आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है, एजुकेशन की कुर्बानी है. सॉरी क्या? 2c इक्वल टू डी. 2c क्यों? डबल शेयर तो नहीं है ना. सी के बाद ये कदर ज्यादा है. डबल शेयर तो उसने पाया नहीं. मेरे पास 5000 है, आपके पास 4000 है. अब इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? आपको 1000 और मिलेगा तो बैलेंस होगी ना. डी के पास 1000 कम है ना. अगर सी के पास अगर 1000 ज्यादा है तो इसका मतलब डी के पास 1000 कम है. अब डी को मैं जब 1000 दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा. देखो ना, सी के पास 4000 है, डी के पास 3000 है. अब इसके बाद 1000 कम है. जब मैंने इसको 1000 दिया तो बैलेंस होगा. ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ. कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें नहीं भी वैल्यू गिवन होगी फिर वो तरफ आओगी, यानी कि आपकी क्वेश्चन बनेगी. क्वेश्चन नंबर 36 का देखें. 36 क्या कहता है? 36 नंबर कहता है एक टू नंबर आर इन द रेशियो 50. टू नंबर है और वो 2-3 के रेशियो में. फिर कहता है कि अगर उन दोनों में 9 is added to each, अगर हम दोनों में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, द न्यू रेशियो विल बी 3:4. पहले रेशियो 2-3 की थी, जब मैंने दोनों में 9 ऐड किया तो न्यू रेशियो हो गई 3:4. कहता है बताओ वो नंबर्स कौन से थे जिनमें आप लोगों ने 9 में ऐड किया. अच्छा, अब सबसे पहले तो आप उनकी रेशो आप देखो 2:3 और आप उनको लेट करो. लेट 2 नंबर दार 2x और 3x, क्योंकि आप लोग रेशो को x के फॉर्म में लेट करते हो ना. इनकी रेशो है 2:3 है. आप इनको लेट करो लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर दार 2x और 3x. ठीक है,
अच्छा अब वो क्या कहता है, वो कहता है अगर दोनों में अगर मैं नो ऐड करूं, ये 2x/3x है ना, अगर मैं दोनों में इसमें भी नो ऐड कर दूं 2x में आगे रेशियो है, ये जो 3 है 3x में भी अगर मैं नो ऐड कर दूं, कहता है अगर मैं दोनों में 9 ऐड करूं तो न्यू रेशियो कितनी बनती है 3:4 ये इक्वल टू 3/4 समझ आ गई, ओके क्लियर, इक्वेशन समझ आ गई। अब हम लोगों ने आगे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, एक और चीज याद रखें रेशियो को बटा भी लिखते हैं, अगर मैं कहता हूँ ना 2:3 का मतलब 2/3 भी है, रेशियो को डिवाइड भी करते हैं, इसके ये रेशियो ने इसको आप ऐसे लिखो 2x+9, ये रेशियो को लिखो बटा 3x+9 इज इक्वल टू 3:4 को लिखो 3/4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है सॉल्व करो शाबाश, एक्स की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो शाबाश, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कहता है जब आप इसमें 9 ऐड करते हो तो 3:4 हो जाती है, एक्चुअल में 9 इनमें ऐड हो रही है, उसमें ऐड नहीं हो रही, वो तो न्यू रेशियो बनी है, इसको जब आप सॉल्व अप करोगे आपके पास एक्स वैल्यू आएगी इक्वल टू 9, ठीक है ओके टू ऑल, एक्स की वैल्यू 9, वो कहते हैं वो टू नंबर्स कौन कौन से हैं, इस एक्स को यहाँ पे पुट करो, पहला नंबर क्या आएगा 2x का मतलब 2x की जगह 9, पहला नंबर आ गया 18, दूसरा नंबर क्या है 3x 3 × 9 25, रिक्वायर्ड नंबर आर 18 एंड 20, ये एक्स की वैल्यू आपने इनमें पुट करनी है ना 2x और 3x, इसको नोट कर लो, 37 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी बनी बने इसमें रेशियो दे दी, अब उसमें कोई वैल्यू रिपीटेड तो नहीं है ना, आपने 3, 4 और 5 है ना, ये रेशियो टोटल वैल्यू 24 है, ए का शेयर है ना, ए की रेशियो बटा सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वैल्यू, आपको बनी बने इसमें रेशियो आपको दे दिया, जब पहले जो 3-4 क्वेश्चन थे उसमें तो आप लोग रेशियो बनाते थे ना, वो कॉमन वैल्यू तो बनना ही बात, ये ऑलरेडी आपको बनी बने दे दिया। अच्छा जरा इस पे आओ, फॉर्थ पेपर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 39 पे आओ, जरा ये हमने दो हमने नंबर लेट किए थे ना 2x और 3x, उसमें आप इनको पुट करना, क्या चीज हाँ इनमें जरा नोनो ऐड करो फिर देखो 3-4 बच्ची, इनमें नोनो ऐड करोगे तब जाके 3-4 बच्ची है ना, इन दोनों में नोनो ऐड करोगे अभी आप लोगों को हो गया, अभी आप लोगों को मैं मेन इक्वेशन में बना देता हूँ मेन इक्वेशन, उसके बाद आओगे आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है।
मैं प्लीज आप हमें डिस्कस कर सर माइक का आप हमें बता सॉरी 39 में कहता है 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अरहम मरियम और सारे में, इस तरह अरहम को मिलना चाहिए मरियम का 1/3 हिस्सा, जबकि मरियम को मिलना चाहिए सारे का 2/3 हिस्सा। बताओ अरहम मरियम और सारे माइक ऑफ कर दें प्लीज। आपके पास टोटल वैल्यू है 500 रुपीज। अब अरहम का शेयर भी आपको बता रहा हूँ कितना ऐसा मिल रहा है मरियम का 2/3, मरियम का इतना पता लेकिन हमें सारे का शेयर नहीं पता। अगर मैं सारे का शेयर अगर एक्स जेड कर लू मुझे सबके शेयर मिल जाएंगे। सारे शेयर इज इक्वल टू एक्स है। अगर सारे का शेयर अगर एक्स है तो फिर सारे के साथ शेयर किया गया नहीं, आप इसको रिवर्स में रहा पड़ा। सारे के साथ किसको रिलेट किया गया मरियम। भाई आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? मरियम को कितना मिल रहा है 1/4, ये इसका 39 वाला 4 से यानी बनेगा x / 4 ठीक है। अच्छा अरहम को कितना मिल रहा है? अरहम को मिल रहा है 2/3 ऑफ व्हाट मरियम। अरहम 2/3 ऑफ मरियम, मरियम का शेयर x / 4 तो ये अगर x / 4 ये 2 x / 6 ठीक है। यहां तक समझ आ गई? तीनों के शेयर x के फॉर्म में आ गए। अब इसको क्या करना है? तीनों को सम करके इक्वल टू टोटल अमाउंट इक्वल करना है। x जमा x / 4 जमा x / 6 इक्वल टू 5। इसमें से अब आप लोग x की वैल्यू निकालो। इसको आगे अब आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को एक्स की वैल्यू आपको बता दूं तो आपको वैल्यू क्या आएगी ताकि आपको समझ आए। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी। मरियम का शेयर आ गया, मरियम है एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन 4 मीन 353 अपॉन 4, ये बनेगा ऑलमोस्ट तकरीबन 4/8 89 रुपीज। अरहम का शेयर बनेगा 353 अपॉन 6 5 35 बच गया 6 9 54, ये तकरीबन 59 रुपीज। मैं अंदर ही रख रहा हूं। तीनों वैल्यूज को जमा करो 5 तक इक्वल आए। और अब आ गया राइट, इसको नोट करो। यूनिट यूनिट लिखो, आंसर में यूनिट हमेशा जरूर है, आंसर में यूनिट जरूर है, चाहे वो चीज है केजी है एज है डियर है। ए आहिस्ता दे आहिस्ता डरेगा। यूनिट जरूर लिखो। देखो उसने ये बोला है, क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन में कहता है कि जो अरहम है उसको मरियम का 2/3 हिस्सा मिल रहा है, जबकि मरियम सारे का 1/3 हिस्सा मिल रहा है। इसे अपना माइक ऑफ कर दे। कहता है टोटल अगर 35 में करो
मरियम और सारम को क्या कैसा मिलेगा, ठीक है? उधर बैग के नीचे रखो ना, जब मैं ये आप मरियम को कितना ऐसा मिल रहा है, सारे का एक बटा चार बटा चार आ गया, और हमको कितना मिल रहा है दो बटा तीन ऑफ मरियम। मरियम को अगर एक बटा चार है तो उसका दो बटा तीन होता है, एक बटा छह आ गया, तीनों को जमा करके कुल पॉइंट। उसके बाद फिर एक्स के वैल्यू निकाल। सर कैमरा ऑन कीजिएगा। यार इसे रख लो फोन में। वो मैंने उसको मिलता हूँ बच्चे तो वो मैं तो उधर लॉक मैंने सबको कर दिए, काफी हो रहा है मुझे राकेश को रख देना। प्लान तो मेरे दो टॉपिक्स के है, बस इसको अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखना, इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 आपको थोड़ा सा मैं तेरा गाइड करता हूँ। 40 में कहता है ताहिर ने इन्वेस्टमेंट की 15,000 की, ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ताहिर स्टार्टिंग का बिजनेस 15,000, आफ्टर 5 मंथ ओनर आल्सो ज्वाइंड विद इन्वेस्टमेंट 30,000। सबसे पहले ताहिर ने बिजनेस शुरू किया 15,000 के साथ, फिर उसके बाद 5 महीनों के बाद उमर ने भी ज्वाइन कर लिया और उमर ने ज्वाइन किया 30,000 के साथ। ये कहता है एट द स्टार्ट ऑफ 9 मंथ और 9 मंथ के स्टार्ट से उस्मान ने भी उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है? बहुत शुक्रिया। 9 मंथ के स्टार्ट से उस्मान ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। यार ये उधर लगा दो, वो बिल्कुल दरवाजे में लगा दो, रिवॉल्वर में लगा दो, सब तो काट है। ये रिवॉल्वर में हो जाता है नहीं नहीं होता नहीं। अच्छा आपने इसको काम के इसमें उधर आते हैं, मैंने कोई बात नहीं उधर तो बात रहा ये काम कर रहा है ये तो को भी करते हैं बात ही ओके। अच्छा अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कहता है ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 के साथ, 5 महीनों के बाद उमर ने ज्वाइन किया 30,000 के साथ, उसके बाद कहता है कि 9 मंथ के स्टार्ट पे उस्मान ने भी ज्वाइन कर लिया 45,000 के साथ। अब वो कहता है साल के एंड पे इनको एक प्रॉफिट है 4,06,000, बताओ हर एक का शेयर कितना। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपको बता देता देखो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उमर और उस्मान, ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 के साथ,
उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 के साथ, उस्मान ने स्टार्ट लिया 45,000। चलो आप इन चार टॉपिक बोलिए, आपको मतलब हाल हो भी गया। आवाज नहीं, आवाज आपको कौन से की? अच्छा अच्छा आप ओके ठीक है। अब अगर तो मैं इसी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर इसको सॉल्व कर दूं ना, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया ताहिर ने, इसका मतलब ताहिर ने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया। ताहिर को तो चलो शेयर मिल जाएगा पूरे साल का, लेकिन ताहिर ने कहना है कि भाई उमर आया 7 महीनों के लिए, उमर ने 5 महीने के बाद ज्वाइन किया ना, उमर आया 7 महीने के लिए, अब जितना मुझे शेयर दे रहे हो साल का, उमर को भी तुम साल का पूरा शेयर दे रहे हो, ये फिर ताहिर के साथ जाती है। और ताहिर की जाती तब है जब उस्मान को शेयर मिलेगा, उस्मान ने तो अगर काम ही 3-4 महीने किया, अगर उसको भी अगर हम लोग पूरे साल के हिसाब से प्रॉफिट दे दें तो फिर वो उसके साथ जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने सबसे पहले आप लोगों ने यूनिट को सेल करना। यूनिट सेल कैसे? ताहिर ने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया, उमर ने सिर्फ 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उस्मान ने सिर्फ 4 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। अब आप लोगों के आंसर आप लोगों को देखो, पूरे को उमर को सिर्फ 7 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, उस्मान को सिर्फ 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, ताहिर को पूरे 12 महीने का प्रॉफिट। यानी कि बिल्कुल उनकी यूनिट उनकी सेम होगी, ये बनेगा 180, 1,80,000, ये बनेगा 2,10,000, ये बनेगा 1,80,000। 4,0,4,0,4,0 ठीक है, 18, 21, 18, 6, 7, 6। अब इसके बाद आप लोगों ने टाइम को लेट कर लो, 6x + 7x + 6x = 4,00,000। इसके बाद आप लोग इसमें से x की वैल्यू निकालें, 6x में पुट करेंगे तो ताहिर का शेयर, 7x में पुट करेंगे उमर का शेयर, 6x पुट करेंगे तो बहुत से पड़े क्या करते हैं। उमर ने सब ज्वाइन किया पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 5 महीने के बाद अगर ज्वाइन करें तो 7 महीने ज्वाइन किया ना। अच्छा नाइन के स्टार्ट पे इसका मतलब 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इसमें 4 मंथ है, दैट इज व्हाई मैंने इसको ओके4,06,000 इसको बेटा आप 19 को आप डिवाइड कर दो, आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी 6x का पुट करो तो ताहिर का शेयर, 7x का पुट करो तो उमर का शेयर, 6x का पुट करो तो उस्मान का शेयर, और आप जमा करोगे 4,06,000 का उस्मान का शेयर। फिर समझा दीजिए वाला, चलो इससे नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या करता पढ़ो सवाल नेक्स्ट वाला। मैं पढ़ता हूँ 41 में कहता है एक आदमी फोत हुआ तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो बच गई ना, उसकी प्रॉपर्टी बच गई 6,40,000 की। जब एक आदमी जब फोत हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी आई 6,40,000 की, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 40,000 उसके एवज करता था, डेट था 40,000, अब 6,40,000 6,00,000 रुपये। उसके बाद कहता है
कि उसके बरियल के उसके दफनाने में 6,000 का खर्चा हो गया। पहले पहले अमाउंट थी 6,40,000, उसमें से 40,000 आप कर्जा निकाल दो, पीछे बचा 6,00,000, उसमें से 6,000 उसके दफनाने पे खर्च हो गया, पीछे बचा 5,94,000 रुपये। ठीक है, अब वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करो किन में, अ विडो, एक बेवा, वन डॉटर, एक बेटी, एंड टू सन, और दो बेटों में, लेकिन किस तरह, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। अब जिसको इस्लामिक लॉ का नहीं पता, 5 नंबर गए, अगर इस्लामिक लॉ अगर नहीं पता, इस्लाम के हिसाब से क्या होता है बेवा का हिस्सा क्या होता है, 8/8, बेवा को 1/8 हिस्सा मिलता है, बेटे को कितना मिलता है, बेटे को बेटी से डबल मिलता है। बस आप ये देख लो, अगर आप लोगों ने बेटे को अगर एक्स रखा तो बेटी एक्स का टू हो जाएगी, अगर बेटे को अगर आप लोगों ने 2x रखा है तो बेटी एक्स होगी, बेटे को अगर आपने एक्स रखा है तो बेटी एक्स का टू होगी, बेटी को आधा हिस्सा मिलता है, बस ये आपने लगा दो। अब आपने इसमें बेटू का हिस्सा कितना आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले मैंने गलत करवा रहा था, पहले मतलब एक क्लास मैंने गलत करवा था, वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे क्या किया, 1/8 + x + x + 1/2x = 5,94,000। बेटी को उसका आधा हिस्सा जमा करके 5,94,000, और इसके आंसर जब आप निकालोगे आप उनको जमा करोगे 5,94,000 के इक्वल भी आएगा। मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा था तो क्लास के बाद मेरे क्लास में ना कुछ लायर भी बैठे थे, वकील भी बैठे थे, वो बाद में उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वो कहते सर जी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत करवाया, गलत कहते कहते सर जो इस्लाम है ना, इस्लाम सर जी वीडियो का बहुत ख्याल करता है, इस्लाम कहता है सबसे पहले वीडियो को टोटल में से हिस्सा निकाल के दो, वीडियो को टोटल में से हिस्सा निकाल के दो, इस्लाम वीडियो का ख्याल करता है, बाकी जो हिस्सा बचेगा उस हिस्से को आपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ आई। यानी कि वीडियो को अगर मैं इस लिहाज से शेयर दूंगा, वीडियो को शेयर कम मिलेगा, वीडियो को कम हिस्सा मिलेगा, आपने करना क्या, आपने इस तरह नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन इस्लामिक लॉ के हिसाब से आपने वीडियो का शेयर दिया, वीडियो को आपने देना है शेयर, वीडियो इज इक्वल टू 1/8 ऑफ टोटल 5,94,000। ये वीडियो को आप लोगों ने इस तरह ऐसा देना, वीडियो का ऐसा बनेगा 74,250। ये वीडियो का ऐसा बनेगा, आप समझे। अब आप लोग इसमें से पहले रिमेनिंग चेक करो, पीछे अमाउंट कितनी बची है, रिमेनिंग बचेगा 5,19,750, ये बाकी अमाउंट बचेगी। अब इस अमाउंट को आप लोगों ने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह लेट शेयर ऑफ टू सन एंड वन डॉटर आर 2x और 1x, बेटे को 2 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, ठीक है, इन तीनों को आपस में जमा करो, 1/2 कर सकते हो, 2x लिख लो, 2x इसको 1/2x लिखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 5,19,000 का आंसर। अब इसको बेटा आगे आप लोग x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, बेटे का शेयर, बेटी का शेयर, मेन चीज आपको मैंने एक वजह मैं बना दी, लाइट होती तो मैं आप सब लोगों को मैं पूरी कैलकुलेशन बता के दूँ। लेट शेयर ऑफ टू सन एंड वन डॉटर ऑफ होगा
फाइनल जवाब यार तो आंसर का भी गिवन होगी अच्छा तो इसका आंसर नहीं गिवन बात ये कैलकुलेटर का निकाले आपको मैं बता दूं कैलकुलेटर निकाले मैं भी बता देता हूं अभी अब कैलकुलेटर निकालो ये वैल्यू लिखो 519,750 519,750 देखा डिवाइडेड बाय 5 ये 5x आएगा ना 2x 2x और 1x कितना आया 5 ये x की वैल्यू है लिख लो x इज इक्वल टू वैल्यू लिख लो अच्छा कितने मिल रहा है 3.12 बताइएगा x का लिखने 10395 ये आपके पास x की वैल्यू आती है ओके अब इस x की वैल्यू को जब आप 2 के साथ ड्रॉप करोगे तो बेटे का शेयर आ जाएगा ये बेटे का शेयर ये बेटी का शेयर x की वैल्यू बेटी का शेयर है पूरा सेम है मेरा नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन से मिलते हैं वो भी सेम वाले पापा को जाते ये मेरे YouTube चैनल पे खड़ा हो जाए प्रोपोजल की तरफ चलें प्रोपोजल के बाद आप लोगों ने एक्चुअली मैं बैठ के आप मुझे इतने 15 से 20 मिनट आपको प्रोपोजल का समझा देता हूँ और मित्र मैंने एरो लगाने का मेथड सिखाना है कि एरो कैसे लगा दें सिर्फ आप लोगों को मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवाता हूँ ठीक है सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन मैं माजे पे आखिरी क्लास रखी मैथ की ओके बना वैसे खत्म होता है ऊपर से मैथ आ जाती है सर ये प्रोपोर्शन की ग्राफ बाकी अब रेशो पर सॉल्व कीजिएगा प्रोपोर्शन किसे कहते हैं तनातो रेशो कहते हैं निष्पक्ष प्रोपोर्शन कहते हैं तनातो प्रोपोर्शन में एक होता है डायरेक्ट रिलेशन एक होता है इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन जिसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स रिलेशन कहते हैं जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक है डायरेक्ट रिलेशन एक है इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है अगर एक शय की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है या अगर एक शय की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है दैट इज डायरेक्ट रिलेशन इसमें आप लोगों ने एरो इस तरह लगाने हैं जी ये डायरेक्ट रिलेशन के तौर पर ठीक है अच्छा एक है इनवर्स रिलेशन का मतलब एक शय की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है एक शेयर की वैल्यू कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है इसमें आप लोग एरर लगाते हैं कि ऊपर तो दूसरा है नीचे इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने एरो लगाना है ये सारी एरो की गेम है अगर एरो गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत है लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तरीका कार बताऊंगा इंशाल्लाह एरो कभी गलत नहीं लगे अच्छा चले आप आगे चलते हैं इस चैप्टर में आपके पास 3 किस्म के कॉम्बिनेशन आएंगे एक आएगा लेबर क्वेश्चन आप लोगों ने कभी पेपरों में पढ़े होंगे इतने मजदूर हैं इतने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं अगर मजदूर कम हो जाए तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा या बढ़ जाए ये क्वेश्चन आते हैं लेबर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है लेबर में वर्कर पर्सन मिस्त्री क्या आएगा मजदूर क्या आएंगे मैन वुमेन बॉयज गर्ल अच्छा इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर टीचर लॉयर स्टूडेंट ये सारे लेबर में आएंगे एनी प्रोफेशन स्टूडेंट से बड़ा लेबर
एनी प्रोफेशन, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। अच्छा, इवन जो मशीनरी है, मशीनरी भी लेबर में आएगी। मशीनरी बढ़ाओगे ना काम जल्दी खत्म होगा, लेबर बढ़ाओगे फिर भी काम जल्दी खत्म होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम, लेबर के बाद कॉम्बिनेशन आता है टाइम। टाइम अंडरस्टूड है, टाइम में आवर आएंगे, डेज आएंगे, मिनट आएंगे, सेकंड आएंगे, वीक, मंथ और ईयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें तीसरा कॉम्बिनेशन आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, अदर देन लेबर एंड टाइम। कोई बात है, आप लोगों ने घबराने अगर कितने टिश्यू लेने, अगर किसी को बता ले लो, ले लो, ले लो। बात पहले तो अपने खाते में बाकी लो, मैं कह रहा था पहले हम भाई ने देखा है सारी चीजें, ओके। बाकी अच्छा देखिएगा, ये आपको तीन महीने कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये ना उधर साइड पे रख दें, साइड पे रख, बस ठीक है। अच्छा, ये तीन कॉम्बिनेशन है, अब इन तीन कॉम्बिनेशन के आप लोगों ने आपस में इनके रिलेशन देखने हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या है, और वही पूरे चैप्टर का खुलासा है। अभी इसमें आप लोगों ने इनके रिलेशन देखने हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले इनमें जो रिलेशन आता है वो आता है लेबर और टाइम का। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर और टाइम क्या होगा, आपस में डायरेक्टेशन होगा, इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होगा। क्यों? लेबर बढ़ाओगे काम जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम कम, लेबर कम करोगे तो काम ज्यादा देर में जाकर बन सकता है, इन्वर्ट रिलेशन। अच्छा, लेबर एंड प्रोडक्शन, लेबर एंड प्रोडक्शन जो है ना, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेबर एंड प्रोडक्शन, लेबर बढ़ाओगे ना प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी, लेबर कम प्रोडक्शन कम हो जाएगी। माजिद भाई के पास स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, स्टूडेंट कम होंगे तो प्रोडक्शन उनकी कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट भी लेबर लाते हैं। टाइम एंड प्रोडक्शन, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लोग प्रोडक्शन को टाइम ज्यादा दोगे, माजिद भाई अकेडमी ज्यादा देर कॉल कर रखेंगे, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, अकेडमी बंद करके बैठ जाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे। ठीक है, ओके। ये आप लोगों ने अब ये याद रखना है, ये जो तीन रिलेशन आपको मैंने बताए हैं, ये मैं हमेशा मैं स्टूडेंट को ना गारंटी देता होता हूँ, अगर ये तीन रिलेशन याद होगी इंशाल्लाह कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन मैं एक और गारंटी भी देता हूँ, अगर याद नहीं होंगे तो इंशाल्लाह को क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, ये भी 100% गारंटी मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेन ये तीन रूल ही है, अगर इनको आप फॉलो करोगे इंशाल्लाह क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन नंबर 1 का मैक्सिमम बात आपको मैं पहले दो तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नहीं ये तो रूल है ना, क्वेश्चन का होने का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े समझ का था, पेज नंबर 24 है,
कहते हैं अगर 16 वर्कर एक काम को अगर 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो बताओ 5 वर्कर उसी काम पे कितनी देर लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बट आपने ये उसकी जो रिलेशन है आपने दूसरा अपने सामने रखना है, वर्कर और टाइम। पहले वर्कर थे 16, काम 3 घंटे में कंप्लीट होता है, अब वर्कर हो गए 5, कितनी देर लगेगी है समझा भी? पहले 16 वर्कर 3 घंटे, 5 वर्कर कितने घंटे है? ठीक है, अब ये देखिए अब आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन के आप लोगों ने दो रूल याद रखने हैं कि जो वैल्यू मालूम करनी है, जी बेशक लिख लें, जो वैल्यू मालूम करनी है उसे हमेशा हम लोग राइट पे लिखते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है, जो वैल्यू मालूम करनी है उसे हम लोग हमेशा राइट पे लिखेंगे। ओके, पहले रूल, अब मैंने टाइम मालूम करना है ना, टाइम को मैंने राइट साइड पे लिख दिया, वो इसलिए ये तो सिर्फ दो वैल्यू है ना, जब हमारे पास 3 वैल्यू आएंगे तो हमेशा फिर राइट साइड पे आएंगे। दूसरा रूल क्या है, जो वैल्यू मालूम करने, दूसरा रूल लिखे, जो वैल्यू मालूम करने उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखना। जो वैल्यू मालूम करनी है उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखना है, ये दूसरा रूल आ गया। ठीक है, ये दो रूल आप लोगों ने फॉलो करने। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए देखिए, जो वैल्यू मालूम था उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखो। ओके, देख लिया। अब ये देखिए, मुझे बताएं टाइम और वर्कर का रिलेशन क्या है? अगर ये अगर एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे चला जाएगा, इनवर्स की वजह से। मैंने वैल्यू नहीं देखी कि वैल्यू 16 से 5 पे आ रही है, 16 से 10 पे आ रही है, 16 से 20 पे। मैंने सिर्फ ये देखा कि टाइम और वर्कर का रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स की वजह से ये एरो नीचे आ गया। ओके, इस एरो को हम इसी वजह से फिक्स रखा हुआ है ऊपर की तरफ ताकि हम इनका रिलेशन चेक कर लें। अगर तो इनका रिलेशन डायरेक्ट होगा तो ये एरो भी ऊपर, अगर इनका रिलेशन इन्वर्ट होगा तो ये एरो नीचे। ओके, आप देखें यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ ना, ये इसका तीसरा रूल है कि जहां से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू हमेशा ऊपर रखनी है। जहां से एरो स्टार्ट हुआ 16/5 इज इक्वल टू, जहां से एरो स्टार्ट हुआ इक्वेशन बन जब आपको मल्टीप्लाई फाइव एक्स इज इक्वल टू 48 x is equal to 48 upon 5, 9.6. हम लागे दोबारा बता रहे हैं। ओके, अब अच्छे से नोट करो और मुझे क्वेश्चन पूछो क्या होता है। अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन फ्री करके देना खुद, तब मुझे समझ आएगा, आप लोगों को वापस समझ आएगी। क्वेश्चन मत किए मुझे करके नोट करो। बस उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया। मेरे क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ये देखो क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, हाउ मैन हाउ लॉन्ग विद द सेम फूड ऑफ हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम आपने मालूम करना है, डेज देर या टाइम को आप लोग राइट साइड पे लिखते हो, इस तरह आप लोग मैंने फिर इसको कॉल कर सकते। ये समझ नहीं आती, हमेशा तुम्हें गलत करता, लेकिन मैंने आपको तीन बजे को टाइम और मॉडल करो कभी कुछ गलत नहीं, हमेशा तुम्हें गलत करा। फिफ्टी फोर आंसर मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मैन और डे, देखें
पहले मैन कितने थे 30 और वो खाना खत्म करते हैं 45 में। अच्छा उसके बाद कहते हैं अगर मैन हो जाए 25 कितने दिन में खाना खत्म होगा, इसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स। मैन और डे का रिलेशन इनवर्स की वजह से एरो नहीं 30 जहां से एरो स्टार्ट करती है ऊपर रखो यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ एक्स को ऊपर। कोशिश करो इसको यही टेस्ट को कैंसिल कर दो 5 के पहाड़े से 5 6 5 5 क्वेश्चन ताकि आसान हो जाए। ये आ गया 5x 45 तरफ 6 5 को तो डिवाइड कर दो 45 तरफ 6 बटा 5 5 9 बार 45 9 6 बार 54 इसको नोट कर लो। बता दिया आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन समाना उसके बाद 3 3 वैल्यूज वाले क्वेश्चन समझ वरना फिर आपको समझ आए 3 वैल्यूज वाले क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज वाले क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और करिए क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉजिक पेपर का आता सवाल है ये 2017-2018 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें 2 में कहता है 5 वर्कर हैं वो 60 मीटर की दीवार 1 दिन के 2/3 हिस्सा में बनाते हैं ठीक है 2/3 आप डे। फिर कहता है अगर 3 वर्कर और भी अगर शामिल हो जाएं इफ 3 मोर वर्कर स्टार्ट वर्किंग तो बताओ वो 50 मीटर की दीवार कितने घंटों में बनाएंगे हाउ मच टाइम इन आवर्स। वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा लेकिन वो घंटों में पूछा है इन आवर्स तो इसका मतलब टाइम मालूम करना है टाइम को राइट साइड पे लिखो और वर्कर और बॉल इधर लिख सकते हैं आप जो वैल्यू मालूम करें उसको तो आपने राइट पे लिखना ही लिखना है ना इनको आप लोग चेंज भी कर सकते हो वर्कर को इधर बॉल को इधर लिख सकते हो क्योंकि इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले 5 वर्कर 60 मीटर की दीवार 1 दिन का 2/3 हिस्सा कितने घंटे बनते हैं 16 घंटे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 का 2/3 कितना आएगा 1 दिन का 2/3 मतलब 24 का 2/3 16 घंटे ठीक है 1 दिन का 2/3 हिस्सा 16 घंटे बनेंगे ये 16 घंटे आ गए। अब वो कहता है अगर 3 वर्कर और भी काम में शरीक हो जाए अब कितने हो गए 8। वो कहता है अगर 50 मीटर की अगर दीवार बनानी है तो कितने देर लगेगी यहां तक ओके। इसका एरो हमेशा ऊपर कमेंट करना हमेशा टाइम वर्कर क्या रिलेशन है इनवर्स ये किसमें आता है वॉल वॉल आएगी प्रोडक्शन में मैंने कहा था ना अदर देन लेबर एंड टाइम लेबर और टाइम के अलावा जो भी आएगा उसको प्रोडक्शन में डाल दो। टाइम और प्रोडक्शन क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन इसके आरोप ऊपर चलेंगे टाइम और प्रोडक्शन हमेशा डायरेक्ट ठीक है यहाँ तक स्टार्ट पर 50 के ऊपर रखो। अब इनके दरमियान में लिखना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5/8 ये हमेशा रिकॉर्डिंग से गुंडी काट जाएगा एक चीज याद रखनी है इनमें जैसे 3 वैल्यूज आती हैं एक चीज हमेशा याद रखनी है ये जो आप लोगों ने एरो के फिक्स किया हुआ है ना इसका मकसद क्या है इसकी हेल्प से आप लोगों ने रिलेशन चेक करने हैं इसी के साथ इसका रिलेशन चेक करना है और इसी के साथ इसका रिलेशन चेक करना है वजह चीज याद रखनी। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं स्टूडेंट इन दोनों को आपस में चेक करने लग जाता है
दैट इज टोटली रॉन्ग. हमेशा किसी के पास इसको चेक करना रिलेशन. ओके धीरे धीरे कैंसर 5×5=25, 6×8=48, 16 आगे 48 है, 25×16, 4800 डिवाइड कर दो, 25×16/48, 16 तीन बार होता है 48, 16 3×48 कितना बचा 25/3, ये आया x=25/3, that is 8.0. ठीक है बेटा, बाकी चैप्टर फिर मेरे चैनल पे देखिए, बात जो है ठीक है. वर्कर को इधर बॉल को इधर रख सकते हो. टाइम को पहले वर्कर के साथ रिलेट किया, इन्वर्स आ गया. बॉल को फिर उधर पे लिखना है, दो वैल्यू मालूम करना है उधर लिखना. हाँ फिर अगर प्रोडक्शन अगर रहेगी ना, प्रोडक्शन टाइम के साथ भी डायरेक्ट होगी, प्रोडक्शन वर्कर के साथ भी डायरेक्ट होगी, फिर तीनों अरे ऊपर होगी अगर प्रोडक्शन अगर आई था. ठीक है जी, इसको रिवाइज करके लाए. चलो ऑफ करो. बंद कर दो मीटिंग, एंड कर दो.